नमस्कार। आदमपुर का दंगल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आदमपुर उपचुनाव के दंगल में सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी अपने अपने प्रत्याशियों के लिए। सब मेहनत कर रहे हैं क्योंकि अभी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उम्मीदवार, उनके नजदीकी परिवार ये प्रचार कर रहा है, लेकिन जल्द ही हवा बदलेगी क्योंकि स्टार प्रचारक मैदान में उतरने वाले हैं। बीजेपी की ओर से मंथन का दौर शुरू हो गया है। 21 तारीख या 25 तारीख इस तरीके से स्टार प्रचारक मैदान में उतरेंगे, तब फिजा कैसी रहती है देखने लायक होगा, उस पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के लाल दिखाएंगे कमाल। आदमपुर का मैदान जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। भव्य जीत के लिए कुलदीप बिश्नोई का पूरा परिवार गांव-गांव वोट की अपील कर रहा है, तो विरोधियों को भी बीजेपी नेता निशाने पर ले रहे हैं। गांधी परिवार का हाथ, हरियाणा कांग्रेस के नहीं साथ। उधर हरियाणा के आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस को गांधी परिवार का साथ नहीं मिलेगा। हरियाणा कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार की है, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी का नाम नहीं है। उपचुनाव में अब की बार कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में है। लिस्ट में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हरियाणा कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा होंगे। कांग्रेस ने आदमपुर विधानसभा क्षेत्र को 3 जोन में बांटा है। आपके स्टार जीत की भरेंगे हुंकार। आदमपुर के जरिए हरियाणा में भविष्य तलाश रही आम आदमी पार्टी भी चुनाव में जी जान से जुटी है। इलाके में केजरीवाल और भगवंत मान एक बार वोट की अपील भी कर चुके हैं, लेकिन दिवाली के बाद आपके स्टार गांव-गांव में हुंकार भरेंगे। उपचुनाव के मैदान को स्टार प्रचारकों का इंतजार है। बीजेपी के स्टार प्रचारक 21 से मैदान में उतरेंगे तो कांग्रेस के स्टार प्रचारक 24 के बाद। आपके दिग्गज भी दिवाली के बाद ही प्रचार करते हुए नजर आएंगे, लेकिन आदमपुर का दिल कौन जीतेगा ये देखना होगा। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। तो चलिए, आदमपुर के दंगल में सियासी बयानबाजी भी बहुत तीखी हो चली है, इस पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यव्रत शास्त्री भारतीय जनता पार्टी से हैं, अर्जुन सुढैल इंडियन नेशनल लोकदल से हैं, सुरेंद्र सिंधु आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वेद प्रकाश विद्रोही हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस से। सबसे पहले सत्यव्रत शास्त्री जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, ये बताएं कि अब तक का जो प्रचार है उसी कमान तो ऐसा लग रहा है फिलहाल परिवार ने और प्रभारी से प्रभारी ने संभाल रखी है। स्टार प्रचारकों के बाद चुनाव कितना बदलेगा और अभी तक का रिस्पांस कैसा है? देखिए वरुण जी, हम अभी तक मान के चल रहे हैं कि जीत में कोई किसी प्रकार की चुनौती नहीं है, और चुनौती जो है वो मार्जिन की है। और अभी तक जो लोग लगे हैं चुनावी व्यवस्थाओं को और उस मैनेजमेंट को व्यवस्थित करने के लिए, जिन लोगों की संगठनात्मक ड्यूटियां लगी हैं वो मैदान में हैं, और ये काम हम सबसे पहले करने वाले हैं। और उसके बाद 21 तारीख से जैसे आपके पास ये सूचना है, स्टार प्रचारक यहाँ आने लग जाएंगे, और उसके बाद जितने भी प्रकार के, जिस प्रकार के लोगों की डिमांड पब्लिक से आएगी या जो व्यवस्था में लगे लोग हैं उनकी इच्छा पर निर्भर होगा कि वो किसको कहां कैसे उनका चुनावी कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। तो वो एक बड़ी मैनेजमेंट पार्टी की ओर से सदा रहती है। और उसके बाद हम जो चुनौती हमारे पास है कि हम मार्जिन कितना लेकर चलेंगे, उसके लिए ऊपर काम स्टार प्रचारकों के ऊपर उठेगा। मैं ये मान के चलता हूं कि जिस प्रकार से चुनाव की गति अभी हम सबसे आगे हैं, तो ये आगे रहने वाला काम स्टार प्रचारक मैनेजमेंट और जो कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार की जो पीछे की पकड़ लोगों के बीच रही है, ये तीनों समीकरण एक साथ जुड़ेंगे। और जो हमारे पास जो विरोधी लोग कहते हैं, विद्रोही जी भी कहेंगे, बाकी लोग भी कहेंगे, ये जो बिश्नोई का, कुलदीप बिश्नोई का वोट और बीजेपी का था, उनको मिलाकर पार पाने का जो हमारा संकल्प है उसको हम मानते हैं वो चुनौती है, वो पार करने की, उसको पार करके जाएंगे। मैं कहता हूं 10% एक्स्ट्रा वोट इस नाम से हमारे पास आने वाला है। ठीक है वेद प्रकाश विद्रोही जी, 10% एक्स्ट्रा वोट का दावा कर रहे हैं शास्त्री जी, वो कह रहे हैं बीजेपी का वोट और बिश्नोई परिवार की पकड़ दोनों मिलाकर उनके पास एडवांटेज है। वरुण जी, यही दावा भाजपा ने बड़ौदा में किया कि बीजेपी की वोट 2019 की और जजपा की वोट दोनों को मिलाकर हम 10,000 वोट से जीत रहे हैं। और जब चुनाव परिणाम आया तो पता चला भाजपा 9,897 वोटों से हार गई। यही आदमपुर में होने वाला है।
भाजपा का कोई वोट नहीं है। जो कुलदीप बिश्नोई के परिवार का विरोधी था उसने बहन फोगाट जी जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको वोट दिया था। अब वो भाजपा उसे अपना वोट मान रही है तो भाजपा मुगालते में है। भाजपा को जितने लोगों ने वोट दिया था 2019 में वो सब सभी प्रमुख लोग प्रमुख कार्यकर्ता कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। आदमपुर में सीधी लड़ाई है, एक तरफ कांग्रेस है और एक तरफ ये सारे लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस ही खड़े कर रखे हैं जिसमें भाजपा इनेलो आप सब साथी आ गए। एक तरफ सारे कैसे हो सकते हैं विद्रोही जी, सब मुकाबला कर रहे हैं ना? नहीं नहीं मुकाबला नहीं कर रहे सर, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ। आप समझ जाइए ना कि कैसे उम्मीदवार खड़े किए हैं, किनकी वोट काटने के लिए खड़े हैं। आप वरुण जी बड़े अच्छी तरह जानते हैं, आप समीक्षक भी हैं और आप एंकर भी हैं। हर राजनीतिक दल किसकी वोट काटने के लिए किसको खड़ा करता है इसके पर्दे के पीछे बहुत से खेल होते हैं। तो इसका नुकसान तो किसको ये बता दीजिए, चलिए ये बताइए, ये जो समीकरण बनाए गए इसका नुकसान किसको है? हमें कोई नुकसान नहीं है, हमें इसलिए नुकसान नहीं है कि जनता जो है वो हमारे साथ है। जनता समझती है कि ये क्यों खड़े किए गए हैं। वहां सीधी लड़ाई है, मैंने बताया ना, एक वोट कुलदीप बिश्नोई को जिताने वाला है और एक वोट कुलदीप बिश्नोई को हराने वाला है। जो थोड़े बहुत कमिटेड भाजपा के साथी हैं, थोड़े बहुत, वो वर्षों से 54 वर्षों से हरियाणा की राजनीति में कुलदीप बिश्नोई परिवार के खिलाफ रहे हैं। वो सभी लोग वो पर्दे के पीछे चाहे शक्ल दिखाने के लिए चुनाव में आ जाएं, वो भी कुलदीप बिश्नोई को हराने का काम करेंगे। तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि कुलदीप बिश्नोई परिवार की गिरदावरी टूटेगी तो भविष्य में उनके लिए कोई संभावना बनेगी, वरना ये गिरदावरी चलती रहेगी। ठीक है। और जो किसान मतदाता है जो चाहता है कि भाजपा के राज ने उनका जीना मुश्किल कर दिया, विकास ठप हो गया, उनकी आर्थिक हालत बद से बदतर हो गई, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, वो भी कांग्रेस को वोट देगा। आप देखिए, मैं लास्ट बार कह रहा हूं सर, भाजपा सत्ता में है, सत्ताधारी दल भी देखिए वहां पैसे वसूल रहा है। मैं आपको चाहे जितने मेरा स्काइप नहीं जुड़ा हुआ ना, मैं आपको फोटो भी बता दूंगा कि भाजपा का उम्मीदवार तो वहां पैसे ले रहा है लोगों से, खुलेआम खुलेआम पैसे ले रहा है, जो भ्रष्टाचार है और नियमों का विरोध भी है। तो ये तो धन सेवा का कार्यक्रम चला रखा है कि भाई धन इकट्ठा कर लो, उसे पता हारना तुमको है ही। ठीक है, वैसे तो मैं जवाब पर शास्त्री से लेता है, कोई आरोप सीधा सीधा है, लेकिन उससे पहले दो मेहमान और चर्चा में उन्हें जोड़ देते हैं। अर्जुन सुडैल भाई, एक आरोप तो सीधा सीधा आप पर लगा रहे हैं वेद प्रकाश विद्रोही कि जातीय समीकरण सेट करने के लिए, वोट काटने के लिए आपने जो चेहरा उतारा है उसका गणित कुछ और है पर्दे के पीछे। देखिए, हमने वोट काटने के लिए कोई कैंडिडेट नहीं उतारा, हमने वहां की जनता का नुमाइंदा उतारा है। आदमपुर का स्थानीय जो पिछले लगभग 40 साल से आदमपुर की जनता की सेवा कर रहा है, पिछले हम किसान आंदोलन में वो निरंतर लोगों के साथ, किसानों के साथ खड़े मिले हैं और उनका एक सामाजिक जो लोगों में रिश्ता है, वहां के लोगों की सेवा उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए 40 साल की है। और हमने उस उम्मीदवार को उतारा जिसको वहां की जनता चाहती थी, जिसको वहां के लोग चाहते थे। और अपना कांग्रेस के प्रवक्ता साथी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ये है वो है ये कर दिया कांग्रेस ने। जयप्रकाश जी ने 2009 में भी वहां से चुनाव लड़ा था ना, उनको काफी अच्छे वोट डले थे, वो सिर्फ 5-6 हजार के लगभग कुछ वोट से हारे थे। लेकिन उसके बाद क्या, जिस जनता ने उनको 45-50 हजार वोट देने का काम किया, वो लोग वहां उन तक गए क्या, उस जनता की सुध ली, दोबारा फिर वो अपने हल्के में आ जाते हैं और उम्मीदवार बाहर से ला करके इन लोगों को जनता उल्टा सब सिखाएगी। जनता वहां के नुमाइंदे को चाहती है, वहां के में लोकल लोग को चाहती है। और कुलदीप बिश्नोई जी को फिर पूछे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूँ कि उनकी अपने हलके के लिए विधानसभा में कितनी सीटिंग रही है? एक भी सीटिंग। कोई अपने हलके की आवाज, अपने हलके की आवाज नुमाइंदा किस लिए चुनती है जनता? इसलिए कि अपने हलके के काम हो, अपने काम हो, लोगों के विकास के कार्य हो। लेकिन विधानसभा में एक भी सीटिंग कोई उन्होंने की हो, कोई जनता की आवाज उठाई हो, तो वो बताइए, लोगों जनता वहां की पूछेगी जब उनसे वोट मांगने जाएंगे
तो वहां की जनता पूछेगी कि आप लोग क्या कर रहे थे, हमारे हमारे यहाँ से हमने नुमाइंदा चुनकर भेजा था, हमारी आवाज कब उठाई, कहाँ उठाई, ना विधानसभा के बाहर ना विधानसभा के अंदर। ठीक है सुडल, फिर आता हूँ आपके पास। सुरेंद्र सिंधु जी मुझे ये बताएं, देखिए एक तो विद्रोही जी कह रहे हैं कि आपने पर्दे के पीछे से ऐसा उम्मीदवार उतारा है जो वोट काटे, मेरी ना वीडियो कट है, नहीं नहीं आपकी आवाज हमें बिल्कुल स्पष्ट मिल रही है, उसको एक बार दिखवा भी लेते हैं। आवाज मिल रही है लेकिन जी जी एक बार दिखवाने की कोशिश करते हैं। वरुण जी वीडियो तो मेरा नहीं आ रहा। जी 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 ट्राई कोशिश करते हैं सर, वो मिल जाए वापस। सिंधु जी मेरा सवाल ये है कि एक तो विद्रोही जी का आरोप कि आप लोग वोट काट रहे हैं या फिर ऐसी स्थिति आपने पैदा की, दूसरा ये जो स्टार प्रचारक है अभी अशोक तंवर और सुशील गुप्ता तो लगातार प्रचार कर रहे हैं लेकिन आपकी जो हाई कमांड है वो गुजरात में है, तो आपके स्टार प्रचारक यहाँ कब उतर रहे हैं? हमारे स्टार प्रचारक वो डॉक्टर अशोक तंवर जी और सुशील गुप्ता जी, संजय जी, सभी के सभी आएंगे। हमारा जो हाई कमान है फिलहाल गुजरात में जो है ना काम कर रहा है। मनीष सिसोदिया भी जी आएंगे, उसमें भी जो आप लोगों ने कल भी देखा आज भी हम देख रहे थे सीबीआई ईडी जो ये भारतीय जनता पार्टी ने जो ये खेल खेला है इसको हम जो है ना पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। आप हरियाणा में जो खेला होएगा, देखो दो पार्टियां जेपी जी तो सीनियर आदमी है लेकिन सबसे झूठे आदमी है। अरे नहीं ऐसे तो मत बोलिए। कुलदीप बिश्नोई जी जो है वो भी महाठग बताए गए हैं। हमने जो ईमानदार जो प्रत्याशी हमने दिया है भाई सत्येंद्र सिंह, वो बहुत ईमानदार मेहनती आदमी है। हमें जब ये कांग्रेस में थे तब से हमारा संपर्क है और हमने देखा है कि बड़ी निष्ठा से ये काम करते हैं। नहीं नहीं लेकिन विद्रोही जी कह रहे हैं वो भी आपके पास भी कांग्रेसी है, सबके पास कांग्रेसी है वो कह रहे हैं। तो कांग्रेस के पास संभाल के नहीं रखते ना ये लोग। अच्छा ये इज्जत लेकर तो जाएंगे ना कहीं कहीं। ठीक है ये इज्जत क्यों नहीं करते कांग्रेस योगी। ठीक है ये कहूंगा जी के इनके जो है ना भारतीय जनता पार्टी और जो कांग्रेस जो है इनके हाईकमान तो आना नहीं। हमारे हाईकमान भी आएंगे, स्टार प्रचारक भी आएंगे, पूरी सीट भी हमारी झोली में जाएगी। ठीक है ये तो दो और तीन नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी जीतेगी यहाँ से और सत्येंद्र सिंह भारी बहुमत से जीतने वाला है। ठीक है जी। ठीक है शास्त्री जी बड़ी दिलचस्प बात कह रहे थे विद्रोही जी कि सबके पास कांग्रेसी है, कांग्रेसी लड़ रहे चारों तरफ। ये देश भी कांग्रेस का था पहले, विद्रोही जी भूल चुके इस बात को लेकिन आपकी गलत नीतियों के कारण से धरातल के अंदर अब कुछ भी नहीं बचा। अब विद्रोही जी भी मूलतः कांग्रेसी नहीं है, ये भी बाय चांस बाय कुछ एक्सीडेंट वहां बैठे हैं लेकिन वैचारिक रूप से नहीं है, ये भी मैं कह रहा हूँ। लेकिन समय पर आएंगे वो ठीक रास्ते पर आ जाएंगे, समझदार और अनुभवी राजनेता है। लेकिन एक बात ये है कि कोई व्यक्ति कहीं भी है, आप यदि सब जगह कॉमन कांग्रेस के लोगों को मानते हैं तो इसको कॉमन मान लो, नीति नेता के ऊपर बात कर लो, आपके नेताओं की क्या स्थिति है, आपकी पार्टी की नीतियां क्या है और किसान के प्रति क्या है, मजदूर के प्रति क्या है, नौजवान के प्रति क्या है, सब लोग आए ना नीति के ऊपर, फिर किसने काम किया, सबकी सरकार होगी, हमने कितना किया है किसान के लिए, कितना किया मजदूर के लिए, कितना किया गरीब परिवारों के लिए। पहली बार वरुण जी हरियाणा ने वो काम किया जो दुनिया और देश इस बात को देख रहे हैं कि एक गरीब की पहचान करने का काम शुरू किया, नहीं तो आज तक अपनों से बाहर कोई नहीं निकला, आप गरीब भी होगा तो अपना ही होगा। हरियाणा की पहली सरकार ऐसी है जिसने गरीबों को ढूंढा है और प्रशासन को उनके द्वार पर पहुंचाया और उनके मन वापिक या उनकी योजना के अनुसार उनको योजनाएं दी हैं कि कैसे आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो बीपीएल से ऊपर उठकर सामान्य जीवन के बीच में कैसे आ सकती है। ये पहली बार काम हुआ और जो लोग बीजेपी के लिए ये कहते हैं कि वो कुलदीप बिश्नोई अकेले हैं या कुलदीप बिश्नोई पारिवारिक है, ये सब इसलिए है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। यदि स्टेट लेवल की बात करेंगे, नेशनल लेवल की बात करेंगे, विधानसभा लेवल की बात करेंगे तो किसी पार्टी के पास आज भारतीय जनता पार्टी की नेता नीति और नियत पर कोई भी आपके पास ऐसी चीज नहीं है जिसके खिलाफ आप बोलकर जाएंगे। कांग्रेस का तो एक सिद्धांत है कि वो उन सब चीजों को टारगेट करते हैं जिसके ऊपर ठीक काम हो रहा है, जिनको ठीक करने की कोशिश हो रही है उसको उल्टा करेंगे जिससे कि लोग उसके बारे में गलत फहमियां हो, कोई भी होगा, क्योंकि गलत फहमियों के कारण से ही कांग्रेस ने अब तक देश के ऊपर शासन किया, न किसी नेता की कोई नीति रही
न उनकी कोई नीयत रही और न इस देश के अंदर कभी कांग्रेस ने कोई ऐसा कल्चर डेवलप किया कि इसके प्रति पॉलिटिकल लोगों के ऊपर लोग विश्वास खड़ा कर सके। ये तो आप समझिए कि इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में आने के बाद राजनीतिक लोगों की कुछ इज्जत होने लगी, लोग उसको पूछने लगे। नहीं तो 14 तक आते आते तो हालत ये हो गई थी कि लोग कहते थे भाई मुझे किसी को गाली देनी है तो नेता कह दो। 2014 नहीं सर, 22 में रहते हैं। पैदा करने वाले तो आपके पास ठीक है। और जो जो इनलो के लोग हैं, इनलो के लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं। नहीं रुके, विद्रोही जी की बारी है, मैं बारी बारी से आता हूँ सर। विद्रोही जी की बारी है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, देखिए घूम फिर के दो सवाल आए आप पे भाई आपके लिए। तो ये एक तो चर्चा ये हो रही है कि 2009 में लड़े थे, 13 साल गायब रहे, उसमें से फिर आपके जो विरोधी हैं वो चुटकी लेते हैं कि जी पैसे बाकी रह गए और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। इस तरह की बहुत आदमपुर में चर्चाएं चल रही हैं, इन सब का असर कितना दिखता है? और जो जातीय समीकरण की बात हो रही थी उसमें अगर उस जातीय समीकरण को मैं सही समझ रहा हूं तो नुकसान तो फिर आपके वोटों का है ना जी? देखिए वरुण जी, पहली बात तो ये है, मैं शास्त्री जी की बात का पहले जवाब देती हूं। इन्होंने कहा है कि भाई हम नीति पर और कार्यक्रमों पर चुनाव नहीं लड़ रहे। मैं आपको बता दूं, हम नीति और कार्यक्रमों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने दावा कर दिया कि गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, गरीबों की कभी पहचान नहीं की। शायद शास्त्री जी ने तो ना पढ़ी हो, पर आपने तो शायद वरुण जी पढ़ी होगी। आज ही यूएनओ की रिपोर्ट आई है गरीबी के ऊपर, गरीबी रेखा के नीचे निकालने के ऊपर। उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने कितना शानदार काम किया है, आंकड़े शास्त्री जी देख लें। और मोदी जी के राज की हालत यह है कि 7 करोड़ लोग जो हमने गरीबी की रेखा के नीचे निकाले थे उनको वापस गरीबी में धकेल दिया। ये किसानों की बात कर रहे हैं। इन्होंने घोषित, आज इन्होंने फसलों के भाव घोषित किए हैं, 6 फसलों के, गेहूं के, सरसों के, चने के, मसूर के और इसका एक दो फसल और हैं। क्या भाव बढ़ाया है? 2 से 9% और लागत उनसे कहीं कम। और कह रहे हैं हम किसान आय दुगना कर रहे हैं। आज डीएपी खाद नहीं है, लोग मारे मारे फिर रहे हैं। आप आदमपुर में चले जाइए, मंडी के अंदर किसान बताएंगे कि इन्होंने कितना अच्छा काम किया है। आज फसलों को नहीं खरीदा जा रहा, फसल नहीं खरीदी जा रही है एमएसपी पर। और इनेलो के साथी ने कूड़ा राम जी की बात की थी, उन्होंने अधूरी बात बताई। कूड़ा राम जी ने जो लड़ाई लड़ी थी पानी की, वो पानी का मोगा, पानी आबाद समन क्षेत्र का ओम प्रकाश चौटाला जी ने ही बंद किया था। और आज पानी बंद करने वाले की गोद में बैठ गए, जनता ये भी जानती है। और जहां तक आपने बताया कि सामाजिक समीकरण, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। सामाजिक समीकरणों का निश्चित रूप से इन्होंने सामाजिक समीकरण बैठाए हैं, परंतु जनता पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा। आप मेरी बात याद रख लेना। नहीं, लेकिन सिंधु जी ने बड़ा अच्छा सवाल किया। सिंधु जी ये कह रहे हैं भाई अगर आपके, मतलब अगर हम ये मान लें कि सारे कांग्रेसी लड़ रहे हैं तो आप लोग संभाल के नहीं रख पाए, ये बात तो है। मैं बारी बारी जवाब दे रहा हूँ ना सर। मैं पहले आपका सवाल का जवाब, ठीक है? जहाँ तक वो ये आप कह रहे हो सामाजिक समीकरणों का, आप मेरी बात याद रख लेना, चाहे आप पार्टी है और चाहे इनेलो है, दोनों 2000 से नीचे रह जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं बढ़ने वाले। और जहां तक संभालने की बात है, ये बात देखिए, राजनीति में महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा हो गई और बहुत से दल हो गए। तो जो अब ये वाइस टेंडर थे, ये चुनाव लड़ना चाहते थे, नहीं लड़, एक बार लड़े, दोबारा नहीं लड़ पाए तो बीजेपी में चुनाव लड़ने के लिए पहुंच गए। वहां मौका नहीं मिला तो पहुंच गए आप पार्टी के पास पहुंच गए। तो जब आप पार्टी आम आदमी की बात करती है, आम आदमी और नीतियों की बात करती है, जो लोग केवल चुनाव लड़ने के लिए एक दल से दूसरा दल, तीसरे दल से तीसरा दल, भैया मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं आपको बीच में तो नहीं बोला, जो लोग केवल चुनाव लड़ने के लिए एक दल से दूसरे दल में जाते हैं, वरुण जी आप अंदाजा लगा लो उनकी क्या तो काम के प्रति प्रतिबद्धता होगी। और ऐसे लोग कब तक उनके पास रुकेंगे? नहीं, इसमें तो शास्त्री जी कह रहे हैं कि आप भी एक्सीडेंटल प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आप भी बाय चॉइस तो नहीं है। देखिए वो ठीक कह रहे हैं, मैं तो कभी छुपाता ही नहीं। मैं तो गांधीवादी समाजवादी व्यक्ति हूँ, भाजपा की सांप्रदायिक नीतियों के खिलाफ मैं आज से नहीं 90 से लगातार मुखर हूँ। और मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी से लेकर रामविलास से लेकर और धनखड़ तक पता नहीं कितनी बार इन भाइयों ने मुझे भाजपा में लाने की, सम्मानजनक ढंग से लाने की पेशकश की,
मैंने तो बड़ी विनम्रता से इनको कह दिया कि भैया मैं सांप्रदायिक भाजपा की फासिस्ट नीतियों के खिलाफ हूँ। मेरी नजरों में भाजपा एक सांप्रदायिक किसान मजदूर विरोधी पार्टी है, इसलिए मैं आपके साथ में जा नहीं सकता। जिस जनता दल और समाजवादी परिवार की मैं राजनीति करता था वो राजनीतिक रूप से खत्म हो गए, तो मेरे पास विकल्प क्या था कि दूसरा जो उस तरह की राजनीति करता हो जहां मैं अपनी बात को कैद को स्वतंत्रता पूर्वक अपनी राजनीति चला सकूं, वो मेरे लिए पत्ती थी कांग्रेस। इसलिए मैं कांग्रेस में आ गया और कांग्रेसियों को भी इस बात का मालूम है, कोई कांग्रेसी भी इस मामले में नहीं है। ठीक 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 मैं आऊंगा फिर आपके पास। विद्रोही किस नेचर का है और क्या विद्रोही की सोच है उनको भी पता है, ठीक है, और कांग्रेसियों से पूछ लो वो भी बता देंगे। नहीं सर, वो आपका नाम ही बता देता है विद्रोही जी, उसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। कांग्रेसी नहीं मानते, ठीक है, मैं खुली और स्पष्ट बात कहने वाला आदमी हूँ, मैं जनता का आदमी हूँ, जनता की लड़ाई लड़ता हूँ और जनता की लड़ाई। ठीक है अर्जुन सुडेल, सच का लास्ट बात, हाँ कंप्लीट करिए सर, बहुत लंबा हो गया। सच का सच्चा यही बना रहा, ठीक है। अर्जुन सुडेल मुझे ये बता दें कि अब इस चुनाव में आपने एक बाल समंद के व्यक्ति को खड़ा किया है तो कितना फायदा है, कितनी चर्चा में है उम्मीदवार आपका, और आपके तो खैर नेता वहीं पर मौजूद है, लगातार प्रचार भी कर रहे हैं, कुछ माहौल बन रहा है क्योंकि इनेलो को लेकर कहा जाता है कि भाई उसकी वो शक्ति पहले जैसी रही नहीं है। देखिए विद्रोही जी ने कहा कि पानी की लड़ाई कुर्रा राम जी ने लड़ी है, लेकिन उन्होंने बाद में झूठ बोल दिया कि चौटाला साहब ने ये कर दिया था, पानी बंद कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने माना है कि कुर्रा राम जी वहां के स्थानीय जो लोगों की सेवा करते हैं, उन्होंने पानी के लिए भी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, किसान आंदोलन में भी उनका बहुत बड़ा साथ रहा है। और दूसरी बात, शास्त्री जी कह रहे थे कि जी किसानों के लिए हमने ये किया, किसानों के लिए हमने किया, किसानों के लिए मैं बता दूं किसने किया, क्योंकि आप मानते हो आदमपुर हल्का जो है किसान बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर किसानों के साथ कौन खड़ा था जब किसान आंदोलन हो रहा था, किसान आंदोलन जब हो रहा था वहां पर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उनके साथ खड़े होकर के पूरे देश में ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस्तीफा देने का काम किया था, और आज वहां की जनता देख चुकी है, जनता समझ चुकी है जो किसानों के साथ खड़ा था आज वही लोग चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ इंडियन नेशनल लोकदल के साथ खड़े होंगे, और कुर्रा राम जी वहां के स्थानीय विधायक स्थानीय उम्मीदवार हैं और बहुत समय से किसानों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। और विद्रोही जी को मैं बता दूं कि इनके जो उम्मीदवार हैं जयप्रकाश जी, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि गादड़ी और बागड़ी इनको तो लठ मारने चाहिए, अब वो लोग वहां के जो बागड़ी लोग जिनको कहते हैं वो लोग इनको बताएंगे कि कौन किसको लठ मारने का काम करता है। और ये किसानों के लिए नग मजदूर के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे शास्त्री जी, बेरोजगारी कहां पर है आज देश में, युवा बेरोजगार है, किसान की अगर मैं बात करूं मंडियों में अनाज भरा पड़ा है कोई उठान नहीं हो रहा है, पेमेंट की बात करते थे 48 घंटे में दे देंगे, लेकिन अब तक मेरे ख्याल से 15-17 दिन खरीद को शुरू हो गया है, शुरू शुरू के 2-4 दिन की पेमेंट अब जाकर शुरू हुई है जो 48 घंटे में देने का वादा करते थे। ठीक है अर्जुन मैं आता हूँ आपके पास। सुरेंद्र सिंधु जी, अब आपने सभी को सुन लिया है, अब इस मुकाबले में आ रहा हूँ सर, शास्त्री जी आप ही के पास आना है, बस एक कमेंट ले लूं। सिंधु जी ये बता दें कि इस पूरे मुकाबले में आप लोग, आपको लग क्या रहा है कि जैसे अभी विद्रोही जी कह रहे हैं 2000 से ऊपर वोट नहीं मिलेंगे, बड़ा दावा वो ठोक रहे हैं, आप कह रहे हैं हम नंबर वन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जमीनी हकीकत क्या दिख रही है आपको? वरुण जी ये आप नहीं बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इन लो कांग्रेस इनके 2-2, 4-4 हजार वोट आएंगी। आपने देखा होगा पंजाब में, पंजाब में कैसे क्लीन स्वीप किया था वहां, आपने देखा होगा दिल्ली में, और आम आदमी पार्टी जहां जाती है क्लीन स्वीप करती है, क्लीन उत्तराखंड गोवा यूपी का भी जिक्र कर देंगे ना ये लोग। अब आप गुजरात का नंबर है तो हम जो है एंट्री करेंगे हरियाणा में आदमपुर से, और आदमपुर में हमारी जो है ना एंट्री होने वाली है, तो हमारा तो ये है कि हम पहले नंबर पे है। दूसरा जो ये भारतीय जनता पार्टी अभी हथकंडे अपना रही है, अभी इन्होंने पैरोल पे छोड़ा है राम रहीम जी को, तो ये पैरोल वाला मामला क्या मेरे भाई इसमें समझ में नहीं आ रहा है। आपसे आसाराम को ले आओ, यहां से भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है, तो मैं तो यही कहूंगा कि हमारा जो कैंडिडेट है, हमारा जो उम्मीदवार है सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे मजबूत है, और आने वाली जो 3 तारीख को आप देखना आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट ही जीतेगा। ठीक है शास्त्री जी जवाब देंगे आरोप जो लगा है। वरुण जी अब तीनों की बारी से मैं ऑपरेशन कर देता हूँ।
इन लोग प्रवक्ता ने किसानों की बात की, इन लोग प्रवक्ता ये सोचें और समझें, देश के अंदर एक साल से ज्यादातर लोगों ने किसान के नाम से आंदोलन किया, लेकिन उससे पहले भी आंदोलन नहीं हुआ, ऐसा हुआ। आप बताइए किस सरकार की गोलियां किसानों की छाती में गिरी, उनके नाम सुनाओ, उन सरकारों के नाम बताओ और उन सरकारों के अंदर मरे किसानों की संख्या बताओ जिनकी गोलियां सीमों में। अगर वो एक साल किसान आंदोलन चलने के बाद उसका दंड का प्रयोग नहीं होना, ये सब उस किसान के प्रति हमदर्दी थी, क्योंकि जो लोग किसी भी कारण से उस आंदोलन में मरे गए वो वृद्ध थे, बीमार थे, और जो केवल लाश के राजनीति करने वाले हैं, खून की राजनीति करने वाले, वो लोगों को लाला के ठीक है, एक आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया आप पर। दूसरी बात, आप मैं बताऊंगा, और यदि आप किसानों की ऐतिहासिक बात करें तो आप बोलिए एक भी योजना आपके समय लगू की है। मैं 45 साल का हिसाब दे सकता हूँ, 45 साल तक किसानों के खाते में जितना पैसा नहीं गया उतना केवल 7 साल के अंदर किसानों को चाहे के रूप में, चाहे उनको मुआवजे के रूप में, चाहे उनके फसल के रूप में दिया। तीसरी बात, आम आदमी पार्टी बात करते हैं हरियाणा की राजनीति की, अरे जो लोग कुंजली को पानी में हाथ रख कर ये कहते थे कि हमारे यहाँ हम हरियाणा को बूंद पानी नहीं देंगे, वो शपथ लेने वाले लोग, वो हरियाणा के द्रोही लोग, हरियाणा के किसान और मजदूर का खून पीने वाले लोग आम आदमी पार्टी, वो हरियाणा से राजनीति की आशा रखते हैं? जिन लोगों के कारण से दक्षिण हरियाणा विशेषकर अहिरवाल का क्षेत्र जो पास से प्यासा बैठा है वो तुम्हारी और तुम्हारी राजनीति के कारण से, नहीं तो आज कहते ना आके हरियाणा के ऊपर हक है और पानी आता। और यदि विद्रोही जी की बात करूं कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस के पास अब इसके अलावा कुछ नहीं है, या और नहीं यहाँ कोई नेता आ रहा, और जिन नीतियों के कारण से आप बात कर रहे हो, इस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार वरुण जी कोरोना काल में किया, ये कोई लोग चर्चा नहीं करते कि दुनिया में हाहाकार मचा, तो सबसे पहले कोरोना के अंदर यदि किसी जीवन सुरक्षा की गारंटी दी तो भारत की सरकार ने दी, नरेंद्र मोदी की कार्य योजना दी, और दुनिया में पहली बार यदि कहीं वैक्सीन की बात आई, न केवल अपने देश के लोगों का जीवन सुरक्षित किया बल्कि दुनिया के अंदर उसकी तहलका मचाया कि भारत का वो मानवीय चेहरा दुनिया के सामने रहा जो कटोरा नहीं आज दुनिया को सामर्थ्य देने का काम किया। इसलिए विद्रोही जी, आप लोगों ने जिस मनमोहन सरकार में तक देखकर परिणाम दिया और ऐसा परिणाम दे दिया कि आगे तक कांग्रेस को कोई चिंता करने की देर नहीं। बड़ी देर बाद शास्त्री जी के दर्शन हुए तो आपको शास्त्री जी विद्रोही जी के दर्शन हुए और चर्चा बिल्कुल समाप्ति की ओर भी है। विद्रोही जी मुझे इतना बता दें, मैं एक बात कहकर जी एक बात कहकर अपनी बात पूरी कर देता हूँ कि कांग्रेस को आप देश की चिंता करने के लिए न तो राजनेता सीरियस लेते न जनता सीरियस लेती, और भाजपा ने तो सीरियस लेना बंद ही कर दिया। और विद्रोही जी आप भी सही समय के ऊपर निर्णय लो जिससे कुछ शेष जीवन जो आपका अनुभव है वो देश के अच्छे लोगों के काम आए, तो उसी के अंदर देश का आपका भी भला है। चलिए जी, प्रस्ताव आ गया है यहीं पर चलती चर्चा में विद्रोही जी के लिए। विद्रोही जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ आदमपुर को लेकर के, कि ये जो पूरा गणित है जिसमें सारी चर्चा हो रही है, कई आपके विरोधी कह रहे हैं कि आपके सभी नेता आने वाले नहीं है, कुछ नेताओं ने कहा था बुलाएंगे तो आएंगे, हालांकि ऐसा बीजेपी में भी हुआ था कि गठबंधन के नेता बुलाए जाएंगे तभी आएंगे, ऐसा कुछ है, आपके यहाँ क्या स्थिति है? वरुण जी, मैं बड़ी संक्षिप्त छोटा सा 10-15 सेकंड का करूंगा। शास्त्री जी भूल गए, इनके राज में 4 हत्याकांड हुए हैं हरियाणा के अंदर, 83 लोगों की मौत पुलिस से इन्होंने गोलियों से बुनवाया है, 90 किसानों ने इनके राज में आत्महत्या की है, और शास्त्री जी कह रहे कांग्रेस को कोई सीरियस नहीं लेता, ठीक कह रहे हो आप, तभी आपके सारे नेता मंत्री संतरी सुबह से शाम तक राहुल गांधी का विरोध करते रहते हैं और अरबों रुपया राहुल गांधी की छवि में आज खराब करने में आज भी लगा रहे हैं। अब रही आदमपुर की बात, आदमपुर के अंदर वरुण जी सारे नेता आएंगे, हरियाणा के जो भी कंसर्न नेता हैं वो आएंगे और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारा चुनाव अभियान 2 महीने से चुपचाप चल रहा है, गांव-गांव हमारी लड़ाई चल रही है, और अब भी जो सभाएं हो रही है गांव में, आप तुलना कर लो शास्त्री जी के उम्मीदवार की सभाओं की तुलना कर लो और हमारी की तुलना कर लो, आपको पता चल जाएगा। और जितने भी भाजपा विरोधी लोग हैं चाहे किसी दल के हैं, किसी गांव में चले जाओ, सभी एक ही स्वर में कह रहे हैं
कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे। शास्त्री जी 6 तारीख का इंतजार कीजिए, हम जनता क्या। मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस को कांग्रेस के वोट पे जो शेष वोट है उसमें 3 हिस्से और 1 हिस्सा जो बीजेपी का है वो 50% में और 50% में तीनों की लड़ाई। मैं किसी को कम ज्यादा नहीं कह रहा, आपने तो बहुत कम कर दिया, लेकिन मैं सब 50% में तीनों लोग उसमें कंपटीशन है कि आप क्रॉस किसको करो। हुड्डा साहब क्रॉस कर रहे हैं क्या भाई, चौटाला क्रॉस कर रहे हैं, कंपटीशन इस बात का है। और चर्चा भी नहीं है इस बात की, विद्रोही की चर्चा भी इसी बात की है कि जो बीजेपी से अगर वोट है उसके ऊपर अधिकार किसका, कौन हारेगा ये तो आदमपुर की जनता तय करेगी, ना आप कर सकते हैं ना मैं कर लिया। चलिए ठीक है ना, दावे तो आप ही कर रहे हैं, गांव में भीड़ है और भीड़ के बाद अनुमान लगाना हमारा काम क्या, जनता ज्यादा अच्छा अनुमान लगा लेगी कि कौन जीतने जा रहा है। मैं माफी चाहता हूँ विद्रोही जी, अब समय इतना ही था, फिर चर्चा रोज करते रहेंगे, आदमपुर ही चर्चा में है फिलहाल। तो आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आदमपुर का दंगल देख रहे थे आप, हर बदलते दिन के साथ लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है और उस दिलचस्प लड़ाई पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।